बीइंग सन ऑफ द सॉइल, जब यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कोई रिजल्ट नहीं मिला तो मैंने सन 98 में सक्षम अधिकारी से इजाज़त लेने के बाद यहाँ स्वयं सेवी के रूप में काम किया और जो सक्सेस रेट है वो आपके सामने है। शुरुआत के जब हमने प्रिलिमिनरी वर्क्स यहाँ एक्सरसाइज किया तो हमें लगा कि भाई यहाँ काम तो सफलता तो मिलनी चाहिए, तो उसके बाद हमने नर्सरी रेस किया यहाँ पर। नर्सरी रेस करने में टाइम लगा, उसके बाद ये जो क्या नाम कंट्रोल प्लांटेशन के लिए जो है ना साइट तैयार किए, उसके बाद आपका हमने सीडिंग मेथड भी अपनाने की कोशिश किया, लेकिन पानी समय पर नहीं आने की वजह से जो है और सीडिंग में मेथड में हमको खास कामयाबी नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपना कर्तव्य जारी रखा और आज के डेट में तो हमारे पास नर्सरी भी भरपूर है और हमारे साथ में जो जिस किसी को भी चाहिए किसान को या कोई रिक्वायरमेंट हो तो हम वो पौधे सप्लाई करते हैं। ₹80% तक मोर्टिलिटी रेट था क्या नाम पौधों का, उसको हमने क्या नाम जब हम लोगों ने इसका सर्वाइवल रेट को बढ़ाने क्या नाम ये जो है ना बढ़ाने के लिए कुछ मयर्स लिए। मयर्स ये है कि भाई जैसा आपको बताया कंट्रोल प्लांटेशन हमेशा नमी होना चाहिए पौधे के पास। अच्छा, दूसरी बात ये है कि भाई जो आपका प्लांटेशन जो है ना वो क्लोज से क्लोज किया जाए, डिस्टेंस कम रखा जाए प्लांट टू प्लांट, ये उसकी वजह से जो है ना जहाँ एक पेज में हमारे को थोड़ा कामयाबी मिला फिर बढ़ते 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 आज की डेट में तो 65 हेक्टर में क्या नाम फॉरेस्ट स्टेशन यहाँ मौजूद है। तो इससे ये जो है जी आपका प्लांट्स का मोर्टिलिटी रेट भी कम हो गया। आज की डेट में तो मोर्टिलिटी रेट आपका जीरो है लगभग, है ना जी, यानी 99% सर्वाइवल परसेंटेज यहाँ हमने इंश्योर किया है। पानी की व्यवस्था का जिम्मेदारी आईपीएस डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन आईपीएस डिपार्टमेंट जो है जून से पहले पानी नहीं लाते थे यहाँ पर, लेकिन हमने जब यहाँ काम किया उनके एफर्ट्स को हमने सप्लीमेंट किया, हमने भी कूल में काम करना शुरू किया, तो हमने मई के महीने में भी पानी लाया, अप्रैल के महीने में भी लाया, 7 अप्रैल को 21 अप्रैल को, इस तरीके से जब हमने पानी लाया अपने एफर्ट से तो आईपीएच डिपार्टमेंट को भी जागना ही पड़ा, उन्होंने भी अपना वर्षक प्रयत्न किया और जिसके परिणाम स्वरूप जो है ना आज नियमित रूप से पानी चल रहा है। यहाँ सैंडी लूम सॉइल है और इसकी में जो है ना सिर्फ नाइट्रोजन की ही आवश्यकता है, इसलिए नाइट्रोजन का भरपाई करने के लिए जो है हमने चिंगू फार्म खोला है और उसमें हम केंचुआ भी छोड़ते हैं, तो केंचुआ छोड़ने से जो है ना उसका नाइट्रोजन का मात्रा दुगुना हो जाता है। इसके अलावा जो है आपका देख रहे हैं कि भाई ये जो T7 क्लोवर है इससे भी जो है आपका लैंड फर्टाइल हो जाता है, जिसका जड़ हर तीसरे साल सड़ जाता है। यहाँ पर ये जो हमारा मुख्य प्राथमिकता तो एफोरेस्टेशन ही है, जिसमें हमारा रूबिनिया नंबर 1 पर है यहाँ पर संख्या के हिसाब से, दूसरे नंबर पर आता है विलो पॉपुलर, उसके बाद वाइल्ड एप्रिकॉट भी का भी अपना स्थान है। वाइल्ड एप्रिकॉट भी आपने देखा बहुत लगाया हमने, जहाँ तक आपका फलदार पौधे या आपका क्या नाम मटर फसल इत्यादि के बारे में बात है तो हमने ये जस्ट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लगाया है ताकि लोग भी यहाँ पर आके खेती करें। 170 जमींदारों को यहाँ पर नोटिस दिया गया है सरकार ने, आपने देखा कि अभी जो है ना कुछ जमींदार हमारे काम को रिप्लिकेट कर रहे हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है यहाँ पर एक नया बस्ती बस जाएगा, जो कि गवर्नमेंट का एक मुख्य लक्ष्य था।
जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए ये कॉनिफरस फॉरेस्ट यानी सदाबहार वन का होना इस हिमालय में नितांत आवश्यक है। इस किन्नौर के लिए जो है ना आपका सदाबहार वन में आपका चिलगोजा आता है, देवदार आता है और जूनिपर आता है, मुख्य तौर पर ये तीन वो है। इसलिए हमने ये जो है ना ये देखिए आपका चिलगोजा के पौधे हमने लगाया। ऑल्दो कि भाई इसमें हमारे को खास कामयाबी नहीं मिला, लेकिन हमारे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें पूरा विश्वास है कि भाई ये हम इसको रेस करने में भी जो है ना फॉरेस्ट रेस करने में कॉनिफरस फॉरेस्ट का हम कामयाब हो जाएंगे। देखिए क्योंकि ऐसा है, इतना ह्यूमस हमने तैयार कर दिया, इसमें तो अब हमने बीज ही फेंकना है। जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये 12 महीने जो है ना एक्शन में रहता है, जबकि आपके जो पतझड़ी पौधे हैं डेसिडुअस जो फॉरेस्ट है वो तो पत्ते झड़ जाता है, सर्दी में डोरमेंसी में रहता है, जब बर्फ़ की ज़रूरत होता है तो उस वक्त ये एक्शन में नहीं होता, उस वक्त एक्शन में होता है हमारे ये कॉनिफरस ट्रीज़। तो इसलिए जो है चिलगोजा जो यहाँ के लिए सूटेबल स्पीसीज है, चिलगोजा, जूनिपर और देवदार का होना बिल्कुल नितांत आवश्यक है।